पिछले एक वीडियो में मैंने आपको ड्रीम इलेवन के बारे में बिल्कुल शुरू से आखिर तक बताया था कि ड्रीम इलेवन क्या होता है, कैसे इसमें काम किया जाता है और इससे पैसे कैसे कमाए जाते हैं। तो काफी सारे लोग मुझसे ये पूछ रहे हैं कि क्या ड्रीम इलेवन से सच में पैसा कमाया जा सकता है या नहीं, और क्या हमें ड्रीम इलेवन यूज करना चाहिए या नहीं। सो आज के इस वीडियो में हम दो चीजों के बारे में बात करेंगे कि क्या आप ड्रीम इलेवन से पैसे कमा सकते हैं और अगर कमा सकते हैं तो कैसे, और दूसरे कि इसमें जो रेफरल प्रोग्राम होता है उसका क्या फायदा है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर मैं बात करूं इससे पैसे कमाने की, तो इसमें कॉन्टेस्ट होते हैं। पहले आपको टीम बनानी होती है और कोई कॉन्टेस्ट ज्वाइन करना होता है जिसके लिए आपको एक एंट्री फीस भी देनी होती है। इसमें कई तरीके के कॉन्टेस्ट होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिसमें अमाउंट बहुत बड़ा होता है लेकिन विनर्स भी बहुत ज्यादा होते हैं। उसमें जो शुरुआत के दो चार विनर्स होते हैं उन्हीं को ज्यादा पैसे मिलते हैं, बाकी जो नीचे के विनर्स होते हैं उन्हें 40 रुपए 50 रुपए ऐसे मिलते हैं। बड़े कॉन्टेस्ट के बारे में ये भी सुना गया है, काफी सारे लोग बोलते हैं, हालांकि मैं कन्फर्म नहीं हूँ, कि जो बड़े कॉन्टेस्ट में विनर्स होते हैं वो ड्रीम इलेवन के अपने ही होते हैं। अब बात रही इसके छोटे कॉन्टेस्ट की जिसमें प्राइज मनी कम होता है लेकिन एंट्री फीस बहुत ज्यादा होती है। तो छोटे कॉन्टेस्ट में जिसमें प्राइज मनी कम होता है उसमें आप जीत सकते हैं लेकिन उसमें एंट्री फीस काफी ज्यादा होती है। तो अगर आप उसमें जीत जाते हैं तो आपका कुछ फायदा हो सकता है, लेकिन अगर आप उसमें हार जाते हैं तो आपका काफी बड़ा लॉस होता है क्योंकि इसमें एंट्री फीस काफी ज्यादा होती है। चलिए मैं आपको इसके दोनों तरीके के कॉन्टेस्ट दिखा देता हूँ। यहाँ पर कुछ कॉन्टेस्ट दिए गए हैं जैसे कि यहाँ पर 25 लाख 3 लाख 2 लाख। तो इसमें आप विनर्स देखिए, 25 लाख में 40,000 विनर्स है। और जब हम विनर्स पर यहाँ क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए जो पहले 3-4 लोग हैं सिर्फ उन्हें ही थोड़े ज्यादा पैसे मिलते हैं। जो फर्स्ट रैंक वाला है उसको 2 लाख रुपए, सेकेंड रैंक वाले को 50,000 रुपए और 3-4 रैंक वाले को 10,000 रुपए मिलते हैं। इसके अलावा जो नीचे की रैंक वाले होते हैं उन्हें 40 रुपए 45 रुपए 50 रुपए ऐसे मिलते हैं। तो पब्लिक यहाँ पर 25 लाख लिखा हुआ देखती है और इसको ज्वाइन कर लेती है। इसमें जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ रैंक्स हैं वो तो आती ही नहीं है, और अगर किसी की आती भी है तो वो बहुत नीचे की रैंक आती है जिसमें उसको 40-45 रुपए ऐसे ही मिलते हैं और इतनी ही इसकी एंट्री फीस है। यहाँ पर हम फिल्टर करते हैं। फिल्टर में यहाँ पर हम नंबर ऑफ टीम में 3 to 10 चूज कर लेते हैं और उसके बाद अप्लाई करते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर आपके सामने कॉन्टेस्ट आ रहे हैं कम प्राइस वाले, और इसमें विनर्स भी काफी कम होते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये है 47,777 रुपए का कॉन्टेस्ट है, इसमें सिर्फ 5 विनर्स हैं। दूसरा है 15,000 का, इसमें सिर्फ 4 विनर्स हैं। 10,000, इसमें सिर्फ 2 विनर्स हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसमें एंट्री फीस बहुत ज्यादा है। तो ये दो तरह के कॉन्टेस्ट होते हैं ड्रीम इलेवन में। एक में बड़ा अमाउंट होता है, एंट्री फीस बहुत कम होती है, और एक में छोटा अमाउंट होता है लेकिन एंट्री फीस बहुत ज्यादा होती है। इसमें यहाँ पर सेकंड मैच है, इसको हम ओपन करते हैं। तो इसमें आप कॉन्टेस्ट देखिए, 6 करोड़ 2 करोड़ 1 करोड़ 10 लाख इस तरह के कॉन्टेस्ट है। लेकिन आप यहाँ पर विनर्स देखिए, 6 करोड़ वाले में 10 लाख विनर्स हैं, और 10 लाख विनर्स में से भी जो स्टार्टिंग के 4-5 विनर्स हैं सिर्फ उन्हीं को पैसे मिलते हैं, बाकी जो नीचे वाले हैं उन्हें 30 रुपए 55 रुपए 60 रुपए ऐसे मिलते हैं। तो पब्लिक यहां पर बेवकूफ बनती है ये देख करके कि इसमें 6 करोड़ रुपए मिलेंगे और सिर्फ 51 रुपीज एंट्री फीस है। लेकिन यकीन मानिए इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ रैंक लाना एक तरह से इम्पॉसिबल है। यहां पर हम फिल्टर करके इसके छोटे कॉन्टेस्ट को देख लेते हैं। 3 से 10 यहां पर मैं सिलेक्ट करता हूं, अप्लाई पर क्लिक करेंगे, और यहां पर देखिए ये इसके कम प्राइस वाले कॉन्टेस्ट है लेकिन एंट्री फीस यहां पर बहुत ज्यादा है। अब बात करते हैं इसके रेफरल प्रोग्राम के बारे में। ड्रीम इलेवन में एक रेफरल प्रोग्राम दिया गया है जिसमें आप किसी भी पर्सन को रेफर कर सकते हैं। जब वो उसमें साइन अप करेगा, आपका कोड डालेगा, तो 100 रुपीज उसको और 100 रुपीज आपको मिलेंगे। उसको तो पहले ही मिल जाएंगे लेकिन आपको तब मिलेंगे जब वो किसी कॉन्टेस्ट को ज्वाइन करेगा। ड्रीम इलेवन का रेफरल प्रोग्राम मेरे हिसाब से पूरी तरीके से बकवास है क्योंकि इसमें जो पैसे आपको मिलते हैं उन्हें आप विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। पहले आप किसी को रेफर करते हैं, जिसको आपने रेफर किया है वो कॉन्टेस्ट ज्वाइन करता है, तब आपको थोड़े थोड़े 10 रुपए 20 रुपए मिलते हैं और उन पैसों को भी आप विड्रॉ नहीं कर सकते हैं, बल्कि आप कॉन्टेस्ट ज्वाइन करने के लिए उन पैसों में से सिर्फ 10% या 25 रुपीज ही यूज कर सकते हैं। अगर आप रेफरल प्रोग्राम के थ्रू 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए 10 लाख रुपए कमा लेते हैं तो वो आपके किसी काम के नहीं है,
क्योंकि आप उन्हें सिर्फ कॉन्टेस्ट ज्वाइन करने के लिए ही यूज कर सकते हैं, और उसमें से भी आप सिर्फ 25 रुपीज या 10% एक छोटी सी रकम यूज कर सकते हैं। बाकी का अमाउंट आपको अपने पेटीएम, मोबीक्विक या फिर अपने डेबिट क्रेडिट कार्ड से ही पे करना होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितने लोगों को आपने रेफर किया है और कितना कैश बोनस आपको मिला है। यहाँ पर मुझे 6,61,475 रुपए कैश बोनस मिला है, लेकिन ये किसी काम का नहीं है। मतलब कि इतने बड़े अमाउंट में से हम सिर्फ 25 रुपीज ही एक कॉन्टेस्ट को ज्वाइन करने के लिए इसमें से यूज कर सकते हैं। बाकी के पैसे आपको अपने पेटीएम, मोबीक्विक या क्रेडिट डेबिट कार्ड से इसमें पे करने होते हैं। यहाँ पर चेक करने के लिए मैंने इसमें कुछ मैचेस कंप्लीट किए हैं, आप देख सकते हैं। हालांकि अभी तक इसमें मुझे कोई लॉस हुआ नहीं है, लेकिन ये सिर्फ मैंने ट्राई करने के लिए कि इसमें होता क्या है, इसीलिए खेला है। मुझे ना तो इसमें कोई इंटरेस्ट है और ना ही मैं खेलता हूँ, और ना ही मैं आपको सजेस्ट करूंगा इसे खेलने के लिए। अब बात आती है कि हमें ड्रीम इलेवन यूज करना चाहिए या नहीं। तो देखिए, मेरी राय ये है कि आप ड्रीम इलेवन से बिल्कुल दूर रहिए, क्योंकि इसमें आपके लिए कोई बेनिफिट नहीं है। बड़े बड़े कॉन्टेस्ट में आप सिर्फ पैसे ही लॉस करते हैं, और छोटे कॉन्टेस्ट में भी जीतने के काफी कम चांसेस होते हैं, उसमें आप एक बड़ा अमाउंट लॉस करते हैं। ऐसे कई सारे लोग हैं जिन्होंने ड्रीम इलेवन के चक्कर में अपने काफी सारे पैसे लॉस किए हैं। ये आपका ज्यादा से ज्यादा टाइम वेस्ट करता है और पैसा भी वेस्ट करता है। सो गाइज, आई होप कि इस वीडियो से आपको काफी कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कॉमेंट करके पूछ सकते हैं।